एनालिसिस करेंगे कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में गोल्ड में क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा अभी लाइव ट्रेडिंग सेशन में देखोगे तो 100 पॉइंट की बाइंग देखने को मिल रहा है और लगभग लगभग फिफ्टी नाइन के आसपास ट्रेडिंग हो रहा है तो इस वीडियो के अंदर जो भी एनालिसिस बताने वाला वो टेक्निकल बेस के ऊपर बताऊंगा रही बात आने वाले वीक में क्या मूवमेंट देखने को मिल सकती है जिसके पास सेल की पोजिशन है उसको लॉस हो रहा है वो कहाँ पर एवरेज कर सकते हैं और साथ में साथ डॉलर का भी यहाँ पे एनालिसिस करके बताने वाला हूँ फर्स्ट टाइम विजिट करे कोशिश करें चैनल को सब्सक्राइब करने की और डेली बेस के ऊपर इंट्रा डे लेवल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें वन ऑफ द बेस्ट एनालिसिस एकदम फ्री मिलता है कोई भी चार्जेस नहीं है ऐसा नहीं कि इंट्रा डे ही रिवर्स प्रोवाइड कराता हूँ साथ में साथ मैं होल्डिंग बेस भी प्रोवाइड कराता हूँ और उसकी जो एक्यूरेसी मिलने वाली है वो आपको हंड्रेड परसेंट भी मिलने वाला है तो एक खाता स्टॉप लॉस है तो कोई बात नहीं सेम डे में रिकवर किया जाता है इसका मतलब वो एक्यूरेसी आपको हंड्रेड परसेंट ही मिल जाएगा बात करेंगे लाइव क्लोजिंग प्राइस के बाद मार्केट के अंदर क्या अगेन मूवमेंट आएगा और आने वाले ट्रेडिंग सेशन में गोल्ड में आपको दिवाली तक क्या टारगेट लेके चलना चाहिए सबसे पहले यहाँ पे मैं ऊपर से ट्रेन लाइन ड्रॉ करता हूँ उससे एक आइडिया आ जाएगा कि अभी तक तो हुआ क्या है और आने वाले दिनों में क्या प्रोबेबिलिटी बन सकती है तो देख लीजिए सबसे हाइएस्ट टॉप की बात करूँगा तो सिक्सटी के आसपास निकल के आ रहा है जब इसने सिक्सटी किया तो ये ऑलमोस्ट ये फिफ्टी तक आपको लो लगते हुए देखने को मिल चुका था उसके बाद एक रैली मिला थोड़ा सा रैली मिला लगभग लगभग साठ हजार के आसपास और जब ये साठ हज़ार के आसपास देखने को मिला उसके बाद एक गिरावट आया फिर एक रैली मिला फिर एक गिरावट आया और अगेन आपको रैली देखने को मिल रहा है लेकिन यहाँ से नीचे की तरफ देखोगे तो आपको क्लियर कट समझ में आएगा वन टू थ्री जो लेवल्स है वो अभी तक ब्रेक नहीं हुए हैं इसका मतलब समझ लीजिए कि ये जो सपोर्ट निकल के आ रहा है ये अट्ठावन हज़ार पाँच सौ का जो स्ट्रांग सपोर्ट निकल के आ रहा है वो नीचे की तरफ ब्रेक डाउन नहीं करना चाहता है मतलब आप लंबे समय के लिए कंसल्टेशन पे देखोगे तो ये जो निकल के आ रहा है टाइम फ्रेम ये मई दो हज़ार तेईस की बात है लगभग लगभग लग चार महीने का समय हो गया है चार महीने के समय पर कितने कम रेंज के अंदर आपको गोल्ड ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है बहुत ज़्यादा रेंज कंपेयर टू देखोगे तो जो पहले रैली चली थी उसके कंपेयर टू देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिलना चाहिए था लेकिन उसके हिसाब से देखोगे तो गिरावट कुछ भी देखने को नहीं मिला उसके कंपेयर टू देखा जाएगा तो अभी मुझे लगता है कि जो कंसल्टेशन था वो टाइम जोन के साथ चला गया है टाइम प्राइज टाइम टाइम यहाँ पर देखोगे तो वो हो चुका है और दिवाली का समय आने वाला है तो मेरे हिसाब से टाइम प्रडिक्शन और प्राइज प्रडिक्शन के साथ देखोगे तो अभी यहाँ पे जो करेक्शन आना था वो टाइम वाइज भी करेक्शन कंप्लीट हो चुका है और प्राइस वाइज भी करेक्शन कंप्लीट हो चुका है और ट्रेड लाइन के बेस के ऊपर देखोगे तो यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो मेरे हिसाब से कम से कम 63 तक एक नया हाई दिवाली तक आपको गोल्ड में लगते हुए देखने को मिलेगा तो अभी जो फेट की मीटिंग आने वाली है उसमें क्या होता है वो तो आपको ही पता है लेकिन जो अभी तक का जो टेक्निकली मैं यहाँ पर देख रहा हूँ मुझे तो चार्ट के बेस के ऊपर बहुत ज़बरदस्त ब्रेकआउट देने वाला है तो ये जो ब्रेकआउट नजर आएगा ये फिफ्टी नाइन सौ के ऊपर नजर आ रहा है तो यहां से ब्रेकआउट करता है तो आने वाले दिनों में कम से कम तिरसठ हजार तक गोल्ड आपको जाते हुए देखने को मिलेगा तो जो फ्रेश बाय करना चाहते हैं मेरे हिसाब से आप सेम पीरियड से बाय कर चल सकते हो 58 300 का स्टॉप लॉस लगाना है तो स्टॉप लॉस लगा दीजिए और आने वाले दिनों में आप पहला टारगेट सिक्सटी का लेके चलिए और नेक्स्ट टारगेट आपको सिक्सटी थ्री तक का लेके चलिए आने वाले दिनों में ये जो टारगेट रहेंगे वो दिवाली तक के टारगेट आपको लेके चलना है अभी जो किसी ने ऑलरेडी बाय के ऊपर बने हैं गोल्ड में और उसको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है तो मेरे हिसाब से ब्रेक

जहाँ पे 58400 को ब्रेकआउट ब्रेक डाउन नहीं कर रहा है तो 58400 को ये ब्रेक डाउन नहीं कर रहा है तो मेरे हिसाब से जब तक ये लेवल ब्रेक डाउन नहीं करता तब तक आपको फ्रेश सेल की सलाह बिल्कुल नहीं है लेकिन जो गोल्ड में फंस गए हैं सेल साइड में उनको क्या करके चलना चाहिए तो मेरे हिसाब से यहाँ पे वेट कर लीजिए 62 का तो 62 का हाई करना है तो अगेन आप सेल की पोजीशन ऐड कर सकते हो या फिफ्टी एट तीन सौ या चार सौ के नीचे सस्टेन करता है तो अगेन आप सेल की पोजीशन ऐड कर सकते हो तो कंप्लीट जानकारी मैंने गोल्ड ई एम सिक्स में ऊपर बताने की कोशिश किया बात करेंगे अभी डॉलर इंडेक्स में तो डॉलर इंडेक्स में भी सेम सिनेरियो यहाँ पे भी अप्लीकेबल होता है इस रेंज को ये ब्रेकआउट करता है तो आने वाले दिनों में 2050 तक भी आपको गोल्ड जाते हुए देखने को मिलेगा तो ये जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 1950 का है 1950 सौ ब्रेकआउट करता है तो कम से कम 2050 के टारगेट आपको गोल्ड में देखने को मिलेंगे और ये जो टारगेट रहेंगे वो कम से कम दिवाली तक आपको होल्ड करके चलना चाहिए बाय ऑन डीप स्ट्रैटेजी कब तक यूज करना है जब तक तो उन्नीस का लेवल्स ब्रेक डाउन नहीं करता आप बाई पे हो तो कंटिन्यू होल्ड करिए विद द टारगेट आप सबसे पहले आपके लिए दो का टारगेट रहेगा नेक्स्ट टारगेट टू जीरो जीरो का रहेगा फ्रेस सेल की सलाह बिल्कुल नहीं है जब तक उन्नीस के नीचे गोल्ड सस्टेन नहीं करता क्योंकि इस रेंज में आप देख सकते हो काफी दिन से 1900 सौ के रेंज को बिल्कुल को रिस्पेक्ट कर रहा है जिस दिन उन्नीस सौ का लेवल्स ब्रेक डाउन करता है तो बिल्कुल आप सेल की पोजीशन बना सकते हो और ओनली आपको 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ कंटिन्यू आप सेल बैठ के उन 1840 तक के भी टारगेट के लिए पोजीशन होल्ड कर सकते हो मैं यहाँ पे सेल की भी सलाह तब दे रहा हूँ जब मार्केट उन्नीस सौ के नीचे सस्टेंड करेगा तो ये एनालिसिस रहेगा आने वाले दिनों में गोल्ड डॉलर में गोल्ड डॉलर में ट्रेड करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है ऑफ लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा बिल्कुल आप अकाउंट ओपन कर सकते हो विद इन फाइव मिनट्स के अंदर आपका उंट ओपन हो जाएगा और लाइव मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हो कुछ दिन आप डेमो ट्रेड भी ले सकते हो मिलते हैं टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाय बाय